बुलेट ट्रेन्स अक्सर अपनी स्पीड के कारण सुर्खियों में रहती हैं। नॉर्मल ट्रेन्स जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं, वहीं बुलेट ट्रेन्स 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागती हैं। यानी नॉर्मल ट्रेन से 3 गुना ज्यादा फास्ट, 6 घंटे की दूरी 2 घंटे में। इतनी हाई स्पीड में अगर हम नॉर्मल ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन बहुत दूर जाकर रुकेगी, जो कि इमरजेंसी में घातक सिद्ध हो सकता है, और ब्रेक बहुत जल्दी घिस भी जाएंगे। तो बिजली की रफ्तार से चलने वाली इन ट्रेन्स में हमें ब्रेक भी बिजली से लगने वाले चाहिए होंगे। हाय, मैं हूं गौरव और आज हम इन्हीं ब्रेक्स की चर्चा करेंगे। उसके लिए मेरे पास ये मैग्नेट है, जो लोहे के इन कीलों पे तो आसानी से चिपक जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम की इस पाइप पे बिल्कुल नहीं चिपक रही। तो इन मैग्नेट्स को अगर हम ऊपर से इस पाइप में डालें तो ये फटाफट नीचे गिर जाने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इस प्लास्टिक पाइप में ऊपर से डालूं तो ये फटाक से गिर जाती है, इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है उसी हाथ से। लेकिन अगर वही काम अगर हम इस एल्यूमिनियम पाइप में करें तो देखिए क्या होता है। दोनों में एक साथ भी डाल के देख सकते हैं। तो ये मैग्नेट इस एल्यूमिनियम पाइप के अंदर से काफी धीरे धीरे नीचे आती है, यानी हमारी इस बुलेट ट्रेन पर कोई ब्रेक लग रहा है, जिसे हम एडी करंट ब्रेक्स कहते हैं। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। एल्यूमिनियम की ये पाइप मैग्नेटिक नहीं है, मतलब इस पे मैग्नेट नहीं चिपकती है, बट इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। और किसी भी कंडक्टर के पास अगर मैग्नेट को मूव कराया जाता है तो उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है। ऐसा ही हमने सिरिंज जनरेटर में भी देखा था, मैग्नेट को कॉपर वायर के अंदर मूव करने से एलईडी जल जाती है। इसी तरह से यहाँ पाइप के सरफेस पर करंट पैदा होता है, पर इस केस में वो छोटे छोटे गोलों में पैदा होता है। और इसे एडी करंट भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी में उठने वाले भंवर जैसा दिखता है, और भंवर को अंग्रेजी में एडी कहते हैं। इन एडी करंट्स के कारण एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी दिशा कुछ ऐसी होती है कि वो जो मैग्नेट के ओरिजिनल मोशन को रेजिस्ट करे। यानी मैग्नेट अगर नीचे की दिशा में जा रहा है तो वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर ऊपर की दिशा में फोर्स लगाए। इसको सबसे पहले 1834 में एमिल लेंज ने एक लॉ के माध्यम से बताया था, और इसीलिए हम इसे लेंजेस लॉ भी कहते हैं। यानी पाइप में मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट से करंट पैदा हुआ, उस करंट के पैदा होने से एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण ये मैग्नेट स्लो हो गया। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में गुथे हुए हैं। पहले इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग समझा जाता था, लेकिन 1873 में मैक्सवेल ने ये दिखाया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, और फिर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया गया। बुलेट ट्रेन्स की बोगी में इस तरह के परमानेंट मैग्नेट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ही ट्रेन को स्लो करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जब ब्रेक लगाया जाए तब ट्रेन में ब्रेक लगे, इसलिए उन ट्रेन्स में परमानेंट मैग्नेट्स के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट जाता है, जिससे वो मैग्नेटाइज हो जाती हैं। उसके बाद पटरियों में पैदा होने वाले एडी करंट्स और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ट्रेन को स्लो कर देता है। आप अलग अलग पाइप्स में भी ये ट्राई कर सकते हैं कि किस में मैग्नेट सबसे ज्यादा स्लो जाता है।